लोकसभा चुनाव को 11 दिन बचे हैं। बरगाड़ी में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी और कोटकपुरा में पुलिस फायरिंग में दो सिख युवकों की मौत का मामला फिर गर्मा गया है। बुधवार को 25 सिख जत्थेबंदियों के 200 सदस्यों ने 70 गाड़ियों में 70 किमी दूर आकर पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के आवास का पहली बार घेराव किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ डाले। एसएसपी मंजीत सिंह ने कहा बैरिकेड तोड़ने वालों पर कार्रवाई करेंगे। इस दौरान भाई बलजीत सिंह दादूवाल और सत्कार सभा के सुखजीत खोसा में किसी बात को लेकर मतभेद होने से उनके समर्थक भी आपस में उलझ गए। इस दौरान लाठियाएं से एक दूसरे पर हमला किया गया, इसमें करीब आधा दर्जन घायल हो गए। 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक करीब एक घंटा सिख जत्थेबंदियों ने बादल के घर को घेरे रखा। सरबत खालसा के जत्थेदार भाई ध्यान सिंह मंड के नेतृत्व में सिख युवकों ने बेअदबी के लिए बादलों को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान बादल अपने घर के अंदर ही मौजूद थे और उन्हें 4 बजे गांव घमियारा और लोहारा में जनसभा करने जाना था, मगर वे गेट के बाहर धरना लगे होने से समय पर नहीं जा पाए। धरना हटने के बाद वह 4:45 बजे घर से निकले। आईजी कुंवर के तबादले के विरोध में बादलों के खिलाफ मार्च है ये। मोर्चा की अगुवाई कर रहे जत्थेदार ध्यान सिंह मंड व उनके समर्थकों ने आईजी कुंवर के तबादले के विरोध में बादलों के खिलाफ बठिंडा और बरगाड़ी में मार्च निकाला, क्योंकि शरद की शिकायत पर ही कुंवर का तबादला आयोग ने किया था। ये मार्च की प्लानिंग पहले ही बन गई थी। इसी के तहत 8 को बरगाड़ी से लंबी तक और 10 को बरगाड़ी से फिरोजपुर तक मार्च निकालेंगे। ऐसे चलता रहा घटनाक्रम। 3:20 बजे बादल गांव में एंट्री की। 3:25 बजे पुलिस से धक्का मुक्की कर बैरिकेड तोड़े और बादल की कोठी की ओर बढ़े। 3:30 बजे बादल की कोठी के आगे धरने पर बैठे। 4:15 बजे आपस में हुआ झगड़ा और धरना छोड़कर दोनों पक्ष आपस में उलझे। 4:30 बजे बलजीत दादूवाल ने किया बोलना शुरू। 4:45 बजे धरना खत्म कर दिया। इधर सियासी मंचों पर बेअदबी पर सियासत। बठिंडा से कांग्रेस प्रत्याशी वड़िंग ने सीएम कैप्टन की मौजूदगी में मंच से कहा बहबलकला में निहतों पर गोलियां चलवाने वाले सुखबीर बादल जनरल डायर हैं। वड़िंग के हक में कैप्टन ने रैली रखी थी। मानसा के भीखी में पत्नी हरसिमरत के हक में सियासी सभा को संबोधित करते सुखबीर ने कहा जिसने बेअदबी की उसके परिवार का कख न रहे और इस पर जो सियासत कर रहे हैं उनके परिवार का भी कख न रहे।